एमपी में रीवा जिले के त्योंथर में आयोजित कोल जनजाति सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम शिवराज ने त्योंथर पहुंचकर यहां पर स्थित कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन कर सीएम ने त्योंथर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। तत्पश्चात सीएम शिवराज ने भू अधिकार योजना के तहत 3,881,000 हितग्राहियों को पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित स्थानीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी समेत विधायक राजेंद्र शुक्ला समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल होते ही सीएम शिवराज ने 200 वर्ष पुराने कोल घड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इससे पहले सीएम शिवराज ने कोल राजाओं के प्रतीक कोलगढ़ी का निरीक्षण किया। तत्पश्चात सीएम शिवराज ने त्योंथर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया और आज बलिदान दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस पवित्र अवसर पर कोलगढ़ी जो कोलों के सम्मान स्वाभिमान और शासन का प्रतीक है वो जीर्ण शीर्ण हो गई थी। हमने फैसला किया कि फिर से जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा, पुराना खोया वैभव वापस लौटाया जाएगा। इसलिए तमसा नदी के किनारे यहाँ सुंदर घाट का निर्माण होगा, लान बले बढ़े बनेगा, कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार होगा और इसके साथ साथ ये स्थान एक तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।